क्लास फोर बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें ये आपका अनुच्छेद लेखन है। मैंने पहले आपको एक अनुच्छेद लेखन करवा दिया था और आज हम दूसरा अनुच्छेद लेखन करेंगे जिसका टॉपिक है पर्यावरण। ठीक है, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का मतलब उस परिवेश से है, पर्यावरण का मतलब उस परिवेश से है जिसमें हम सभी रहते हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं। हमारे आस पास चारों तरफ पर्यावरण है, हमारे आस पास चारों तरफ पर्यावरण है। हमारा पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है, हमारा पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है। हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे श्वास के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु अब हमें अपने पर्यावरण की देखभाल की आवश्यकता है पर्यावरण के दूषित होने से बहुत सारी बीमारियां होती है जिनसे इंसान पूरी ज़िंदगी पीड़ित हो सकता है। पर्यावरण से ही हम स्वस्थ भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। परंतु आज हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसे सुधारने के लिए अब प्रत्येक वर्ष ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों आप इसे जो है अपने कॉपी में गुड हैंडराइटिंग से लिख लीजिएगा और फिर आप इसे याद कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि अब आप लोग की जो परीक्षाएं हैं नज़दीक आ गई है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, आप उसे याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।